नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आईपीएल 13वें सीजन में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम के ये 5 खिलाड़ी कर सकते हैं टीम की अगुवाई। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा इन दिनों इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। असल में न्यूजीलैंड के साथ खेले गए 5वें T20 मैच में रोहित को मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ था, जिसके चलते वह मैच से रूल्ड आउट हो गए थे। इसके बाद हिटमैन एक दिवसीय टेस्ट सीरीज में भी रूल्ड आउट हो गए थे। हालांकि रिपोर्टर्स के अनुसार रोहित 29 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। असल में हाल ही में आईपीएल शेड्यूल रिलीज किया गया है, जिसके अनुसार 29 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। फिट होकर आईपीएल में वापसी करने के बाद यदि कप्तान रोहित शर्मा टूर्नामेंट के दौरान किसी मैच के लिए अनुपलब्ध होते हैं तो टीम की कमान किसे सौंपी जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 खिलाड़ी के बारे में जिन्हें रोहित की गैर मौजूदगी में सौंपी जा सकती है मुंबई इंडियंस की कमान। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में 5 खिलाड़ी कर सकते हैं एमआई की कप्तानी। नंबर 1 पर है कीरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान कीरोन आईपीएल में शुरुआत से ही मुंबई इंडियंस के लिए खेलते आ रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा की टीम का ब्रह्मास्त्र है, जो किसी भी मौके पर टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन करने में काबिलियत रखते हैं। पोलार्ड उन खिलाड़ियों में से जिन्हें आईपीएल में काफी अधिक पसंद किया जाता है। मैच विनर खिलाड़ी ने अब तक खेले गए 148 मैचों में 46 की स्ट्राइक रेट से 2,755 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कीरोन पोलार्ड कप्तानी के पहले दावेदार होंगे। असल में सीनियर खिलाड़ी आईपीएल में लंबे वक्त से मुंबई का सदस्य है, साथ ही वह अपनी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की कमान संभालते हैं। 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले हुए पोलार्ड को टीम की कमान सौंपी गई थी, इसलिए अब यदि आईपीएल के दौरान रोहित किसी मैच में अनुपस्थित होते हैं तो पोलार्ड कप्तानी के दावेदार होंगे। नंबर 2 पर हैं क्विंटन डीकॉक। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के सीमित ओवर कप्तान बन चुके डीकॉक को आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस में शामिल किया गया था। असल में इनसे पहले आईपीएल 2018 में डीकॉक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा थे। सलामी बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के साथ जुड़कर शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत की। आंकड़ों की बात करें तो डीकॉक ने आईपीएल 2019 में खेले गए 16 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 132 के स्ट्राइक रेट के साथ 529 रन बनाए हैं। शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ युवा खिलाड़ी में कप्तानी के गुण भी विराजित हैं। नंबर 3 पर है मलिंगा। अपनी सटीक यॉर्कर्स और स्लोवर गेंदों के बल्लेबाज के छक्के छुड़ाने वाले श्रीलंका तेज गेंदबाज आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। मलिंगा उन खिलाड़ियों में से हैं जो शुरुआत में यानी 2008 में ही मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। मलिंगा भी कप्तानी के प्रमुख दावेदार हैं। नंबर 4 पर हैं हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। हार्दिक 2015 में मुंबई इंडियंस की तरफ से अपना आईपीएल डेब्यू किया था। इसके बाद से पांड्या लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं। मुंबई का ये खिलाड़ी फ्रेंचाइजी के लिए तमाम मैच जिता चुका है। हार्दिक पांड्या भी कप्तानी के प्रमुख दावेदार हैं। नंबर 5 पर हैं जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी मुंबई इंडियंस के उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी सौंपी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, इन 5 खिलाड़ियों में से रोहित शर्मा के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तानी का प्रमुख दावेदार कौन है? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।